आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पपीते से बर्फी बनाने की आसान और यूनिक तरीका। ऐसे तो आपने पपीता बहुत बार खाया होगा, लेकिन शायद ही आपने कभी पपीते की बर्फी बनाई होगी या खाई होगी। पपीते की बर्फी देखने में जितनी लाजवाब, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट और टेस्टी होती है। तो फिर देरी किस बात की, चलिए पपीते से बर्फी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन, अगर मेरे रेसिपी अच्छे लगते हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो के लाइक शेयर और आपके अपने चैनल मीना के रसोई के सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी पपीता का मजेदार बर्फी बनाने के लिए आधे किलो लाल लाल पपीता ले लिए है। पपीता का बीज निकाल कर छिलका छील कर पानी से अच्छे से धो लिए है। पपीता को छोटी छोटी टुकड़े में काट लेंगे। दोस्तों आपको बता दें, पपीता हमारे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह सालों भर मिलने वाला फल है जो सभी जगह आसानी से मिल भी जाता है। अगर बात करें पपीते से होने वाले फायदे की, तो यह कैंसर के उपचार के लिए, हार्ट को मजबूत रखने में और वजन को घटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सारे पपीता कटने के बाद मिक्सर के जार में डालेंगे। जार में ढक्कन लगाएंगे और बिना पानी डाले पपीता को पीसकर पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि पपीता में पानी भरपूर मात्रा में होता है। देखिए पपीता का पेस्ट अच्छे से बन गई है। अब इसे बर्तन में डाल लेंगे। ये 50 ग्राम बटर स्कॉच फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर है। आप किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर को पेस्ट में अच्छे से मिला लेंगे ताकि गुठली ना रहे। कस्टर्ड पाउडर डालने से पपीते के बर्फी में कलर भी आ जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। देखिए कस्टर्ड पाउडर अच्छे से मिक्स हो गई है। अब चलते हैं गैस की तरफ। चाशनी बनाने के लिए फ्राई पैन में 200 ग्राम चीनी डालेंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1 कप पानी डालेंगे। चीनी को तेज आंच पर पिघलाएंगे। जब चीनी अच्छे से पिघल जाए तब गैस को मीडियम कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से पकाएंगे। जब 4 मिनट चाशनी पक जाए उसके बाद मिक्स किए हुए पपीता का पेस्ट डालेंगे और चाशनी में पेस्ट को मिक्स करेंगे। दोस्तों पपीता ऐसा फल है जिसको किसी न किसी रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे बर्फी, जैम, कैंडी और पेय पदार्थ भी बनाए जाते हैं। पेस्ट में गुठली हो तो उसे दबा दबा कर मिक्स कर देंगे। मावा बनने तक इसे मीडियम आंच पर चलाते रहेंगे। दोस्तों आपको फिर से याद दिला दूं, हमारा रेसिपी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा हो तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, जिससे हमें पता चल जाएगा हमारा रेसिपी आपको पसंद आ रही है या नहीं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब मावा बनने लगे तो इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। घी को अच्छे से मिक्स करेंगे। घी डालने से बर्फी में शाइनिंग आ जाएगी और टेस्ट भी लाजवाब हो जाएगा। घी डालने के बाद आंच को मीडियम ही रहने देंगे और 4 से 5 मिनट पका लेंगे। जब तक मावा तैयार हो रही है तब तक ट्रे में घी लगाकर तैयार रखेंगे। जब मावा अच्छे से तैयार हो जाए उसके बाद 1/3 स्पून का 1/4 भाग इलायची पाउडर डालेंगे, जिससे खुशबू और टेस्ट भी बर्फी में आ जाएगी। देखिए बर्फी का मावा अच्छे से बनकर तैयार है। गैस को बंद कर देंगे और मावा को नीचे उतार देंगे। घी लगाकर तैयार किए हुए ट्रे में कटी हुई पिस्ता फैलाकर डालेंगे और खरबूज का बीज डालेंगे। उसके बाद तैयार किए हुए मावा डालेंगे। ट्रे में मावा को अच्छे से फैला लेंगे। अब इसे अच्छे से प्रेस करेंगे। मावा के ऊपर खीरी का बीज सभी तरफ से अच्छे से फैलाकर डालेंगे, साथ ही पिस्ता का कचरन डालेंगे। बर्फी को 2 से 3 घंटे तक खुले में या फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे।
तीन घंटे के बाद बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। मावा को ट्रे से निकालने के लिए थोड़ा ट्रे को गर्म कर लेंगे। ट्रे को हल्का गर्म कर लिए है, अब ट्रे में से बर्फी को निकालते हैं। ट्रे को हल्का गर्म करने से बर्फी आसानी से ट्रे से निकल जाती है। देखिए आसानी से बर्फी निकल गई है, तो चलिए इसे बर्फी के साइज में काटते हैं। देखिए दोस्तों, पपीता का बर्फी कितना स्पंजी मुलायम मजेदार बना है। इस रेसिपी को घर पर एक बार ट्राई जरूर कीजिए, उसके बाद अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।